हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे कुल्फी एकदम बाज़ार से भी अच्छी। आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने एक बार ये वाली कुल्फी घर पे बना ली ना, तो आप कभी बाज़ार से नहीं खरीदोगे अठेली से। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत टेस्टी बनती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग दूध लेंगे। 1 लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है, ये भैंस का दूध है। उसको अच्छे से उबालेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके बताइएगा आपकी कैसी बनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे दूध को उबाल लेंगे, और जब उबलने लगेगा तो 2 चम्मच अरारोट लेंगे। उसको दूध में, ठंडे दूध में फेंट के डाल देंगे उबलते हुए दूध में। और फिर उसके बाद चीनी डालेंगे, इसको पकाते रहेंगे। इसको हमको 1/3 तक रिड्यूस करना है। उसके बाद अब कैरमल बनाएंगे। इसलिए मैंने चीनी ली है, उसको धीरे 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 चलाते रहेंगे। और ये इस तरीके से बन जाएगी कुछ। तो इसको दूध में डाल देंगे और चलाते रहेंगे। ये बहुत अच्छा बनता है, इससे इसको ज़रूर डालिएगा। और कलर भी बहुत अच्छा आता है, एकदम कुल्फी वाला। उसके बाद इसमें इलायची पाउडर डाला है मैंने, और इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए 1/3 तक रिड्यूस हो गया। अब इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। फिर मैंने मिक्सी में इसको 15 सेकेंड के लिए चला लिया था। ये इससे बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है। इसको इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर, मेरे पास 8 ग्लासें थी छोटी छोटी, मैंने उसको उसमें डाल दिया था। और फॉइल पेपर लगाया। फॉइल पेपर लगाने का फ़ायदा ही होता है, इससे आइस नहीं जमती। इसको ज़रूर लगाएगा। और फिर मैंने आइसक्रीम स्टिक लगा दी थी इसके ऊपर। और फिर मैंने इसको 15 घंटे के लिए फ्रीज कर दिया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप खुद देखिए इसका रिज़ल्ट। इसको पहले थोड़ा सा पानी में डाल के इसको थोड़ा सा करेंगे तो ये ईज़िली निकल जाएगी, वरना इस तरह से निकलती नहीं जल्दी। और ये देखिए, आप खुद ही रिज़ल्ट देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप भी इसको ट्राई करें समर्स में खास करके। और थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।